फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में व्हाट्सएप की कुछ न्यू फीचर्स बताने वाला हूं, जो कि काफी अमेजिंग है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट नंबर पर जो फीचर है, जिसमें आप अगर आपने किसी को गलत मैसेज सेंड कर दिया है तो आप उसे एडिट भी कर सकते हो। इसके लिए बस आपको किसी के भी चैट्स में चले जाना है। अगर आपने किसी को मैसेज किया, जैसे कि ये मैसेज हमारा गलत हो गया, तो आप इसे एडिट भी कर सकते हो। इसके लिए बस आपको इस मैसेज पर लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ आपको थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ एडिट पर क्लिक कर देना है। अब बस यहाँ पर आप इस मैसेज को एडिट कर सकते हो, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारी मैसेज एडिट हो चुकी है। तो हमारी सेकेंड नंबर पर जो फीचर आती है, जिसमें आप किसी का भी स्टेटस या फिर मैसेज सीन करते हो, तो आपको सामने वालों को पता नहीं चलेगा कि आपने उसका मैसेज या फिर स्टेटस को सीन किया है। तो इसके लिए आपको थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है, उसके बाद सेटिंग्स में चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्राइवेसी में चले जाना है। प्राइवेसी में जाने के बाद यहाँ पर रीड रिसिप्ट का एक ऑप्शन इनेबल होगा, आपको इसे डिसेबल कर देना है। अब आप किसी का भी स्टेटस या फिर मैसेज को सीन करोगे तो सामने वाले को पता नहीं चले कि आपने उसका मैसेज या फिर स्टोरी को सीन किया है। स्टेटस सीन कर लेने के बाद आप चाहो तो इसे इनेबल भी कर सकते हो। अब हमारी थर्ड नंबर पर जो फीचर आती है, वो है साइलेंस अननोन कॉल। अगर आपको कोई भी अननोन कॉल से बार बार कॉल आ रहा है तो आप उसे साइलेंस कर सकते हो। तो इसके लिए आपको थ्री डॉट पर चले जाना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद सेटिंग्स में चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉल्स का ऑप्शन देखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर साइलेंस अननोन कॉलर्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसे आपको इनेबल कर देना है। अब आपको कोई भी कॉल करेगा, कोई भी अननोन कॉल से कॉल आएगा, तो वो कॉल आपको पता नहीं चलेगा, वो कॉल हमेशा साइलेंट में रहेगा, जिससे आपको कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होगी। अब अगली जो फीचर्स है, इसमें आप बिना नंबर सेव किए किसी को भी व्हाट्सएप कर सकते हो। तो इसके लिए आपको किसी का भी चैट्स में चले जाना है। तो मैं मैसेज योर सेल्फ में चले जाता हूँ। अब यहाँ पर आपको जिसको व्हाट्सएप करना है उसका नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है, उसके बाद ये मैसेज सेंड कर देना है। अब आपको इसे व्हाट्सएप करने के लिए आपको इस नंबर पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप इससे चैट कर सकते हो, या फिर कॉल ऑन व्हाट्सएप, या फिर ऐड टू कॉन्टैक्ट। तो मुझे इसे इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, यानी चैट करना है, तो मैं चैट पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से इसे व्हाट्सएप कर सकता हूँ बिना नंबर सेव किए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे टिप्स एंड ट्रिक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।